और संभावना यह भी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो होने के बावजूद भी ये जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अपनी हार को छिपाने के लिए, या हार के कुछ भी कारण बताने के लिए कि अरे साहब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल मिला के ये आशंका, भय, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी परिणति है जो ये सब नौटंकियां हो रही हैं, जानबूझ के हो रही हैं, इन्हीं के लोगों के द्वारा हो रही हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिला जो खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से, ये महिला गला घोटा के हमारे जो मोहल्ले हैं लालपुरा कहलाता है इसमें आके क्या कर रही थी। इसके जो ये दोस्त हैं जिनके साथ इसकी फोटो वगैरह हैं, ये महिला जो है, कैसी फोटो है सब वीडियो वीडियो में है, ये महिला वहां से या इनके वो भी जो किसी गांव चोरा ओरा गांव है उसके मित्र हैं, यहां पे आके क्या कर रहे थे हमारे नगर में, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के मैं इस विषय को समझने का प्रयास कर रहा हूं। जानकारी ये भी मिली है कि इन लोगों की जो गाड़ियां आई वो आई हत्या करने के उद्देश्य के, किसी व्यक्ति की हत्या करने थी, उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, पुलिस खुलासा करेगी। इतना कहना चाहता हूं कि ये हार से उपजी निराशा जो है उसी की परिणति है और ये सब नौटंकियां नाटक हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अन्यथा कैंडिडेट जो रहता है वो अपनी दूसरे दिन मतदान के दिन रात को, दूसरे दिन सुबह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्टिंग लेता है कितनी मतदान हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यहां पे आके और इस प्रकार से मैं मान के चल रहा हूं कि हथियार बंद होके गाड़ियों को लाव लश्कर लेके आना और बस्ती के लोगों को आतंकित करना, तो अब ये तो गड़ा घुटा है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आदमी ऐसी बात सहन करे। तो मुझे जानकारी मिली, मैं तो अभी घर पे ही था, अभी बाहर निकला हूं रात को, तो मुझे जानकारी मिली कि इनके गाड़ियों में हथियार, असलाह, गोला बारूद, तमाम प्रकार के पिस्टलें और उसके कारतूस, ये सभी जब्त हुए हैं। मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग भी आई है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति की हत्या करके और ये हत्याकांड करके चले जाएं डरा के कि अगली बार चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो इन गुंडों के सामने। तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बात और है मुझे जो दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये मेरी हत्या की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यदि मेरी हत्या हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएगा और इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी, ये भी एक बार संभावना 1%। तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस इस बात की बारीकी से तस्दीक करे कि यहां किस उद्देश्य, किस कारण से लाव लश्कर के साथ हथियार लेके इस गड़ाकुटा नगर में आए थे। तो मैं जानना चाहता हूं, इसके बाद ही बात बाकी बातें करें।